मैपल के सक्सेना आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश कानपुर की ओर। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में करौली दरबार पूर्वज मुक्ति धाम में दीपावली का 5 दिवसीय पर्व बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ है। साथ ही साथ दीपावली का यह पावन पर्व बहुत ही धूमधाम और जोरों शोरों से मनाया गया। आपको बता दूं कि करौली दरबार में यह खास बात है कि करौली दरबार किसी भी तरह के झाड़फूंक तंत्र मंत्र और टोना टोटका का खंडन करता है। यह एक ऐसा दरबार है जहां पर लोग हवन करते नमन करके माँ कामाख्या और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। साथ ही साथ ऐसे महान पवित्र स्थान से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही महान पवित्र स्थान की ओर। करौली दरबार में पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर में दीपावली का 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। करौली धाम में दीपावली का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। धाम में मनमोहक रोशनी की गई जिससे करौली धाम दूधिया रोशनी में भी नहा गया। साथ ही साथ हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी दीपावली करौली दरबार में रहकर ही मनाई है और गुरु राधा रमन मिश्र माँ कामाख्या और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। साथ ही साथ दीपावली के पावन पर्व पर नित्य हवन का आयोजन किया गया और भोलेनाथ का रुद्राभिषेक भी किया गया है। श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन माँ कामाख्या और गुरु राधा रमन मिश्र की आरती कर आनंद प्राप्त किया और अमावस्या को हवन करके अपने पितरों को मुक्त भी कराया है। करौली दरबार पूर्वज मुक्तिधाम में पितृ नाचते गाते और भोलेनाथ का गुणगान करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। करौली दरबार दुनिया का एकमात्र ऐसा दरबार है जहां पूर्वजों की मुक्ति होती है। इस अवसर पर गुरु संतोष भादौरिया महाराज ने अपने भक्तों को संदेश भी दिया कि जय गुरु जी, दीपावली के पावन पर्व पर अपने भक्तों के लिए कुछ संदेश दीजिए। भक्तों के लिए तो सिंपल एक संदेश है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, है, और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ रखना है, उसके लिए आवश्यक है कि आपस में समझदारी विकसित हो, अपने पितरों की मुक्ति कराई जाए। फिर जो दीपावली जलेगी वो असली दीपावली है। गुरु जी, मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ इस दरबार का जो मंत्र है, अच्छा लगता है आपको इस दरबार का जो महामंत्र है वो ओम नमः शिवाय है। और ओम नमः शिवाय आपको सुनते रहते दिन भर, दरबार के भक्त बोलते रहते हैं दिन भर। बाहर कोई बोलता ओम नमः शिवाय उसको पता नहीं क्या प्रभाव आता है क्या नहीं आता, लेकिन दरबार का भक्त जब बोलता है ओम नमः शिवाय तो उसका प्रभाव उसको सेकेंडों में दिखाई देता है। दरबार के महामंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा भी बताई। साथ ही साथ करौली दरबार किसी भी तरह के तंत्र मंत्र टोना टोटका झाड़ फूंक इत्यादि का खंडन करता है। करौली दरबार ऐसा दरबार है जहां पर लोग हवन करके या नमन करके माँ कामाख्या और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं।
मैं बिहार से आया हूँ, मेरा घर रमनो बिघार। आपको यहाँ आने की प्रेरणा कैसे मिली? प्रेरणा मिली कि मेरे बगल के ही मेरे भाई का कंठ बंद हो गया। उसे दिखाने के लिए पटना गए, वहाँ डॉक्टर उनको कुछ भी नहीं कहा, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं है। वो ऐसा हो गया दो चार दिन में कि वो आज मरने वाला हो गया, आज मरेगा कल मरेगा। सारी गांव के लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये ठीक होगा। उसके बाद उसकी पत्नी को किसी ने बताया तो यहाँ धाम वो आया, बाबा का धाम। और यहाँ से जब वो गया तो जो इनका प्रक्रिया हवन उवन क्या रहता नहीं जानते, वो सब वहाँ किया। उसके बाद वो बीच में एक बार जहर, मतलब 2,4-D होता है, 2,4-DOP। 2,4-D क्या होता है? वो घास को जलाने वाला पॉइजन होता है। अच्छा। और वही पॉइजन को पी लिया। उसके बाद बगल हॉस्पिटल उसको ले गया, वहाँ डॉक्टर कहा इसके कहीं इसको विष का कोई अति नहीं, यह आश्चर्यजनक परिणाम है। उसके बाद वहाँ से वो आया, फिर हवन होते होते इतना वो चंगा हो गया, कभी बोरा ढो ढोने लगा गाँव में ही, और सूरत जा करके वो कमा रहा है, जो आश्चर्यजनक परिणाम है गांव वालों के। तो आप उसकी प्रेरणा से आज पहली बार आए हैं? हाँ, हमसे पूरा जिला से आए, पहली बार हम आए हैं बाबा के माता के दरबार। ऐसा देखकर मुझे अद्भुत लगा, हम भी नहीं मानते थे, लेकिन ये करिश्मा देखकर हमारे सब गांव वाले दंग रह गए। ऐसे ही कई और श्रद्धालुओं ने अपनी आप बीती सुनाई, आइए एक नजर डालते हैं उनकी आप बीती पर। कई हम पहली बार बताइए सर। मेरा नाम अरविंद कुमार कोराम है, हम लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम लोग पिछले 10 साल से बहुत परेशान थे, हमारे बहन हैं उनके ऊपर कुछ, उन मेरे बहनों जो ख़त्म हुए थे वही थे, और उनसे सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और पिछले 10 साल से ये परेशानी बहुत ज़्यादा था, घर में भी थे, लेकिन फाइनली जब यहाँ आए दरबार से जुड़े और गुरु जी से कल हम मिले, उसके बाद से 90% से ज़्यादा 95% आराम मिल चुका है। अभी आप दरबार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मैं तो बोलूँगा कि दुनिया में ऐसे दरबार कहीं नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट दरबार, जो हर तरह की पीड़ा से मुक्ति देता है। भोलेनाथ और माता कामाख्या का दरबार है, यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत से लोग जो कि प्रेत बाधा या अन्य उससे रोगग्रस्त हैं वो आते हैं, उनकी प्रार्थनाएँ कबूल होती हैं यहाँ पे, और अच्छे होकर के यहाँ जाते हैं। आपको क्या परेशानी थी? हमें भी कुछ पूर्वजों का ही चक्कर था, कुछ प्रेत बाधा भी हो सकती है थी, और उसमें काफ़ी राहत है, लाभ है। और अभी हमने पिछले दिसंबर 2019 से इस दरबार से जुड़ा हूँ।